आम आदमी पार्टी ने रणवीर सिंह भुल्लर को फिरोजपुर शहरी से हलके का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रणवीर सिंह भुल्लर के इस उम्मीदवार घोषणा के बाद उनके समर्थकों की खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी हाई कमांड की तरफ से विधानसभा मतदान संबंधित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें हलका फिरोजपुर शहर से रणवीर सिंह भुल्लर को उम्मीदवार खुलेआम है, जिसको लेकर शहरी हलके पार्टी आहुदेदारे और वर्करों में खुशी की लहर देखने को मिली और उनके दफ्तर में जश्न जैसा माहौल पाया गया। बातचीत करते वक्त रणवीर सिंह भुल्लर ने कहा कि लोगों की तरफ से दिए जा रहे प्यार सत्कार का वे सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो फिरोजपुर शहरी इलाके से बड़ी लीड के साथ सीट जीत कर पार्टी की झोली में दिखाए और हल्के लोगों के सहयोग के साथ विकास करवाएंगे। पार्टी का धन्यवाद करता जी कि पार्टी की हाईकमांड ने लोगों का फतवा जो लोगों की सोच से मुताबिक जिम्मेवारी दिती है और जेडे फिरोजपुर की टीम है सारी, मैं उनका भी धन्यवादी हाँ कि उन्होंने बहुत वधिया काम किया और इस करके जी अज आम आदमी पार्टी आ फिरोजपुर जिले के बहुत स्ट्रोंग आ साडे वलंटियर करके साडे मेहनती साथियों करके मेहनती लीडर करके। सो मैं सब का धन्यवादी हाँ जी। आम आदमी पार्टी की कोई रणनीति नहीं होंगी, सच्चाई इमानदारी जो अरविंद केजरीवाल जी का सुने पूरे पंजाबियों को पहुँचा रहे हैं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी ने दो सारिया पार्टियां नूं तुसीं बड़े साल वेख लिया और एक इमानदार पार्टी एक मौका दो और फिर वेखो कि किहो जिहे रिजल्ट मिलते। चोण मुहिम पंजाब के लोग शुरू करी बैठे आ, एक साल तो सारा पंजाब इन्हां रवायती पार्टियां नूं हराउण लई जोर ला रहा है और आम आदमी पार्टी लियाउण लई जोर ला रहा है। तो मैं उन्हां दे नाल पहलां भी शामिल सी ते हुण भी उहदा शामिल होकर रल मिल के चोण मुहिम चलावांगे, सारिआं दी सलाह नाल चलावांगे। बिल्कुल, पार्टी वल्लों जिहड़ी जिम्मेवारी दित्ती गई आ, पार्टी बड़ी पड़ताल तो बाद और पार्टी आपदी सोच वर्गा बंदा वेखदी आ और उह सारिआं चीज़ां पार्टी ने वेख के जिम्मेवारी दित्ती और निभावांगे। बिल्कुल नहीं जी, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हाँ, तो जिदा अरविंद केजरीवाल जो कहेंदे आ करते हैं तो असं उनके सिपाही हाँ उन्होंने, तो असी जो कहे करा। बहुत नाजुक हालात चो फिरोजपुर शहर निकलिया पिछले 15 साल तकरीबन, हुण लोगों एक आस बजी आ कि असी आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि जे कोई जबान खोलता सी तो उस उपर की कार्रवाई होंगी तो चंगी तरह पता है। इतने तो पत्रकारों भी दबाया गया, आम लोगों भी दबाया गया और हुण जिहड़ा लोग दबा तो बाहर आ गए अज तुसी वेख्या आ कि किवें लोग खुल के सामने आए आ और लोगों को पता लग गया आ कि हुण साडी सरकार आ रही है, लोगों की सरकार आ रही है, इस करके लोग कायम ने, लोग ताकतवर ने। देखो किसी भी पार्टी ने जे सीएम का चेहरा उतारिया नहीं, ना बीजेपी ने उतारिया, ना कांग्रेस ने उतारिया, ना अकाली दल ने उतारिया, तो आम आदमी पार्टी 117 वधिया बंदे पंजाब की विधानसभा दूगी और दे भी रही है जिन्हें हुण तक दिते आ और पंजाब के लोग पसंद करते उन्होंने। और मैनू तो कोई टक्कर वाली गल ही नहीं लगती, क्योंकि तो लोग दसणगे जिथे जाईदा झाड़ू भी फिर छपरिया पिया चार छपेरे, सो टक्कर तो इलैक्शन जो चोणा होणगियां उदों ही पता लगेगी भी कहिंदे नाल सानू तो जो लोगों को जाईदा प्यार ही इन्ना मिलता है कि जिथे 2 घंटे उलझना एक पिंड 5-5 घंटे लग जाते हैं। सो सारे के सारे पिंड सारे के सारे महल्ले अज आम आदमी पार्टी नाल खड़े आ। लोग चाहते आ भी जी अराजकता फैली हुई आ, लोग चाहते आ भी रात को नेरे भी असी दुकाना खोलीए, बीबिया चाहदियाँ भी असी सैर कर जाइए, लोग चाहते आ भी साढ़े मोटरसाइकिल ना चके जान, चैनिया ना लैन, तो जो थानू फिरोजपुर का हाल आ कि बंदा सौदा लैन जाता है तो एक बंदा मोटरसाइकिल को खिलार के जाता है। बिल्कुल टोटल फेल रहा 5 साल, इतने चोर चक्कियां दी चली आ,
और बिल्कुल टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल आ। लॉ एंड ऑर्डर सियासी लोगों ने अपने हितों वरत्या, जनता लिए नहीं वरत्या गया, कानून का राज नहीं रहा और हुण कानून का राज आएगा। बिल्कुल मिलेगी जी, क्योंकि लोगों की पार्टी आ, लोग ही इस पार्टी चला रहे हैं, तो लोगों वास्ते ही ये पार्टी आ, बिल्कुल राहत मिलेगी।